हो गई सर। देखिए आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी, ठीक। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका समापन होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। ये एक भारत देश है, भारत देश में ये इधर पड़ता है जम्मू काश्मीर, जम्मू काश्मीर के नीचे थोड़ा सा दाएं तरफ हिमाचल प्रदेश और ये थोड़ा सा नीचे पड़ता है उत्तराखंड, यहीं से निकलती है गंगा नदी, ठीक। देखिए तो अब यहां पर बना लेते हैं आप उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर काशी जिले में गंगोत्री गोमुख हिमानी से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर काशी जिले में गंगोत्री गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भागीरथी नदी में प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर बना है। 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी वो भागीरथी नदी की वजह से हुई थी। केदारनाथ के मंदिर के आसपास की जितनी भी जगह थी सब तबाह हो गई। भागीरथी नदी आगे आती है और यहाँ पे एक बांध बना है, नाम है इसका टिहरी बांध, नाम है इसका टिहरी बांध। फिर गंगोत्री के बाएं तरफ से एक जगह है सतपथ हिमानी, सतपथ हिमानी से दूसरी नदी निकलती है, नाम है इसका अलकनंदा, अलकनंदा। क्वेश्चन आता है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी किनारे बसा है, किस नदी नदी किनारे बसा है, अलकनंदा। यहां पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम है, ठीक। टिहरी बांध के आगे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है और ये हो जाती है गंगा नदी। ये हो गई देखिए भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से निकलती है, उसके बाएं तरफ से सतपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में संगम होता है और इस धारा को बोलते हैं गंगा नदी। आगे गंगा बहते हुए ऋषिकेश पहुंचती है, उसके थोड़ी आगे हरिद्वार। अभी गंगा का जो सफर है वो पहाड़ी एरिया में, जब गंगा हरिद्वार पहुंचती है तो अपने मानते हैं कि पहली बार गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है। क्वेश्चन आता है गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है, तो जगह है हरिद्वार जहां गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि यहां कुंभ का मेला लगता है, क्या लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला चार जगह लगता है, हरिद्वार उज्जैन नासिक और इलाहाबाद। तो हरिद्वार में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। पिछली बार जो हरिद्वार का मेला लगा था वो 2010 में लगा था, ये हर 12 साल बाद लगता है। तब तक लगेगा 12 साल जोड़ दिए, तब तक लगेगा 2022 में लगेगा। उसके बाद गंगा सबसे पहले गंगोत्री भागीरथी नदी निकली, बाएं तरफ सबका कुमारी अलकनंदा नदी निकली, दोनों धारा देवप्रयाग मिलती है और इस धारा को बोलते हैं गंगा। आगे बहते हुए गंगा ऋषि के केश को क्रॉस करती है, फिर उसके बाद आता है हरिद्वार जहां अपने मानते हैं गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगा आगे बहते हुए ये दूसरा स्टेट पड़ता है, नाम है यूपी। यूपी में बहते हुए गंगा पहली बार जहां से गुजरती है उस मुख्य शहर का नाम है कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर। आगे बहते हुए गंगा पहुंचती है इलाहाबाद, इलाहाबाद इसको प्रयाग नगरी बोलते हैं, प्रयाग नगरी या प्रयाग द्वीप बोलते हैं, प्रयाग द्वीप। यहां पे गंगा और सरस्वती का संगम होता है इसलिए इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, त्रिवेणी संगम। आगे गंगा बहते हुए वाराणसी पहुंचती है, वाराणसी, वाराणसी को घंटियों का शहर भी बोलते हैं, घंटियों का शहर, ठीक।
वाराणसी घंटियों का शहर बोलते हैं, यहीं पे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। उसके बाद गंगा बहते हुए प्रवेश कर जाती है बिहार स्टेट में। बिहार में बहते हुए बिहार के दक्षिण में पड़ता है पटना और उत्तर में पड़ता है हाजीपुर। तो यहां एक पुल बनी गंगा नदी पर जिसका नाम है गांधी। ये भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है, गांधी सेतु गंगा सेतु भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है जिसकी कुल लंबाई 5,075 मीटर है। ये बाएं तरफ स्थित हाजीपुर और दाएं तरफ स्थित पटना को जोड़ती है, कौन सी पुल? गांधी सेतु, ठीक। उसके आला आगे गंगा बहते हुए पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो आगे जाने के बाद इसने फेमस बांध बना है, नाम है इसका फरक्का बांध। फरक्का बांध बांग्लादेश के 15-16 किलोमीटर पहले बना। तो अब ये नदी के बीच बांध बना दी, मतलब नदी की जो अविरल धारा वो रुक गई। तो इस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद आता, क्वेश्चन आता है इस बांध की वजह से भारत और बांग्लादेश विवाद था, बताएंगे फरक्का बांध की वजह से भारत और बांग्लादेश विवाद। उसके बाद गंगा बहते हुए दो धाराओं में पड़ जाती है, एक धारा कलकत्ता की तरफ आ जाती जमा इसे भूली कहते हैं और एक धारा प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश। आगे एक नदी आती थी ब्रह्म गंगा से ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। दोनों नदी मिलती है और इस संयुक्त धारा को बोलते हैं पद्मा। आगे एक और नदी मिलती है इस धारा में पद्मा में, नाम मेघना, और इस नदी की धारा का नाम हो जाता है मेघना जो कि फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कलकत्ता बहते हुए हुगली नदी, हल्दिया और हावड़ा जिला के पास गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हुगली नदी और ये पद्मा धारा के बीच का जो जगह है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा नदी बनाती है, एक धारा हुगली की तरफ आ गई और एक धारा कहां चली बांग्लादेश में जो पद्मा कहलाती है। दोनों धारा के बीच का जो जगह है वो कहलाता है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। डेल्टा क्या होता है, जब नदी बहती है तो अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर बहा के ले आती है, इकट्ठा होते जाता है और एक जमीन की शक्ल ले लेता है, क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। फिर देखिएगा सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई से गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। केदारनाथ मंदिर इसी नदी के किनारे होता है। उसके बाद भागीरथी नदी बहती है और उस पर एक बांध बना है, नाम है टेकरी बांध। उसके बाद भागीरथी नदी आगे आती है, बाएं तरफ भागीरथी नदी के सतपथ घुमारी जगह से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। बद्रीनाथ मंदिर इसी नदी के किनारे होता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में मिलती है और इस धारा का नाम हो जाता है गंगा। मतलब ये है गंगा का उद्गम गंगा के रूप में नहीं होता, गंगा होती है देवप्रयाग में। उसके आगे गंगा आ जाता है ऋषिकेश फिर हरिद्वार जहां पे पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर उत्तराखंड को क्रॉस करके दूसरे राज्य में आती है, नाम है यूपी। यूपी का पहला शहर कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद बनारस, उसका अंतर करके बिहार। बिहार बड़ा फेमस पुल है जो गंगा नदी के बना है, बड़ा लंबा पुल, नाम है गांधी सेतु या गंगा सेतु बोलते हैं। 5,075 मीटर लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई है क्योंकि जो बाएं तरफ हाजीपुर जाकर पटना को जोड़ती है, आगे पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। इस पर एक प्रसिद्ध भगवान फरक्का बनाया गया है। आगे गंगा बहते दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा दाएं तरफ कलकत्ता की तरफ आ जाती है, नाम इसका हुगली, और एक चली जाती बांग्लादेश जहां ये ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा हो जाती है और मेघना मिलते हुए कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये जो जगह बनता है दोनों धारा जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, यहाँ विश्व के सबसे आदम घोर देव रहते हैं। इस वन में, इस डेल्टा में
कुंदरी के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इस वन का नाम क्या होगा, कुंदर वन डेल्टा हो गया। फिर देखिएगा उत्तराखंड से गंगा बहते हुए आई यूपी, बिहार और ये बांग्लादेश के पास पड़ता है पश्चिम बंगाल, तो ये गंगा बहते हुए कहां मिल गई, ये बंगाल की खाड़ी।